आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका शाम की बुलेटिन में। गोरखपुर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ को नेपाल राज दरबार से आए हुए पहली खिचड़ी अर्पित की, फिर उसके बाद उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं और आज से सनातन धर्म में सभी शुभ कामों की शुरुआत होगी। आगे सीएम ने प्रदेश के सभी जनमानस को मकर संक्रांति की बधाई दी और लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निवेदन किया। बिहारी भगवान सरोवर मंदिर के पास से खिचड़ी चढ़ाई थी। खिचड़ी चढ़ाई, कैसा लगा आपके? अच्छा लगा। कोरोना काल में दो बार आप लोग खिचड़ी नहीं चढ़ा सके, इस बार चढ़ा है। महाराज जी से मिला, हम लोग तो हर साल चढ़ाते हैं। कब से आ रही है? अरे 5-6 साल से आ रहे हैं। बस यही पास से, सूरज कुंड से। कितनी बार आई है यहाँ पे? मेरा 4 बार है। तो आज खिचड़ी चढ़ने आई थी? हाँ, खिचड़ी चढ़ी। हाँ, चढ़ गई। कैसा लगा 2 साल कंटिन्यू कोरोना के बाद जो है कोरोना का? अच्छा लगा। महाराज जी से मुलाकात हुई? हाँ, महाराज जी से मुलाकात हुई। हाँ, जो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खबर बलिया से है, जहां किसानों की मुसीबत कम नहीं हो रही है। जहां किसानों को कभी खाद बीज पानी के लिए परेशान होना पड़ता है, आवारा जानवर किसानों की फसल के लिए मुसीबत बन रहे हैं। जबकि किसानों का कहना है कि कड़ाके की ठंड में किसानों को रात भर जाग कर अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ती है। अरे योगी के राज में इतना हो गया कि मैं सरसों गेहूँ के रात भर अगोरे के पड़ता डंडा लेके ठंडा में। अच्छा, बहुत ज़्यादा हो गई बड़े सर। अच्छा, क्यों आप जितने गौशाला में रखे हैं साले सब खाने बिना वहाँ भी मर रहे हैं। वो वहाँ भी उन लोगों को ना तो टाइम से दाना मिल रहा है ना खाना मिल रहा है। सब खेत में, सब खेत नुकसान हो गया। दिक्कत बहुत है भैया, रात भर जागना पड़ता है। रात रात भर जाके खेद रहे हैं, घोपार है तो साँड़ है। हाँ, तो घर भी आप लोग नहीं जा पाते होंगे? घर जाने के सांस जो कि खेदने में घर कहाँ लोकता है, खेती देखना है ना। योगी सरकार तो कह रही है कि हम गौशाला बनाए, ये बनाए, तो क्या कितना सच्चाई है इसमें? गौशाला बना है कि नहीं बना है तो अलग बात है, लेकिन हम लोग तो खेद रहे हैं ना सांस को, सांस खेद रहे हैं, गोपार खेद रहे हैं। अगली खबर है, जनपद चंदौली में नशे में धुत महिला थाना प्रभारी के पति को कार चलाना महंगा पड़ा। पूरा मामला चकिया कस्बा के चंद प्रभार रेंज के पास का है, जहां चकिया कोतवाली में तैनात दरोगा गुड़िया यादव के पति की आक्रोशित भीड़ ने जमकर धुनाई कर दी। बता दें कि नशे में धुत थाना प्रभारी के पति ने कार से सड़क किनारे खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मारते हुए साइकिल सवार वृद्ध को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने कार चला रहे महिला थाना प्रभारी के पति सर्वेश यादव की जमकर पिटाई की और कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। खबर अयोध्या से है, जहां राम जन्मभूमि परिसर के दूसरे चरण में चल रहे राफ्ट निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है, जिसके तैयार होने के साथ ही मंदिर फाउंडेशन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इसके बाद उस पर कर्नाटक से लाए जा रहे ग्रेनाइट पत्थरों से मंदिर की फ्लिप फर्श को तैयार करने का कार्य किया गया और इस जनवरी अंतिम सप्ताह में तीसरे चरण की प्रक्रिया की भी आरंभ कर दिया जाएगा। इस दौरान राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण कर रहे एलएनटी के प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफड़े ने बताया, 1.5 साल से इस कार्य को किया जा रहा है और अगले 2 साल में भगवान श्री राम लला के गर्भगृह में विराजमान कराए जाने का कार्य भी पूरा कर दिया जाएगा। आपके सामने उसका ढलाई हो रही है और ये सारी ढलाई मशीनों से हो रही है, इसमें कोई मैन पावर नहीं है। रात में काम होता है, 24 घंटे भी काम होता है। ये बहुत तेज गति से और संतोषजनक प्रगति इसमें है और इसके बाद एकदम हम पत्थरों को जोड़कर प्लिंथ ऊंचा करने का काम शुरू कर देंगे। कोई तारीख नहीं है,
जनवरी का अंत या फरवरी का पहला दिन। सर कितने प्रतिशत काम हुआ होगा? फाउंडेशन कंप्लीट हो गई तो सब कुछ हो गया। फाउंडेशन के बिना तो ऊपर कुछ बनता नहीं। शुरू से एक्सकेविशन से लेके कंक्रीटिंग और अभी जो काम हो रहा है ये सभी का काम हम देख रहे हैं। L&T यहाँ कॉन्ट्रैक्टिंग का काम कर रही है, डिजाइनिंग का जो काम है वो और PMC का काम टाटा कंसल्ट इंजीनियर के लोग कर रहे हैं और उनके साथ साथ में हम लोग भी यहाँ डटे खड़े हैं। और हम तो 1.5 साल का जो काम हो चुका है इसके अलावा और 2 साल ये मंदिर का काम और अभी की जो अस्थाई मंदिर में जो मूर्ति है ये मूर्ति का विग्रह होने के लिए हमने चुना है। खबर अलीगढ़ से है जहां कोरोना से समाजवादी पार्टी के सलमान शाहिद का टिकट कंफर्म होने से दूसरे प्रत्याशी की टिकट कटने के बाद विरोध में सलमान शाहिद का भी फार्म रोका गया। सलमान शाहिद के समर्थन में हजारों लोग सड़क पर समर्थकों में उतरे। वहीं सलमान शाहिद के समर्थकों ने बताया कि दूसरे लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं और अन्य प्रत्याशी खड़े हैं सलमान शाहिद के खिलाफ टिकट कटवाना चाहते हैं। टिकट चंद लोगों पर पैसे लेकर सलमान के खिलाफ विरोध करने का आरोप लगाया गया। लोग से क्या आप विरोध कर रहे, क्या है? देखिए हम सब सलमान शाहिद के समर्थक हैं और जिस तरीके से 13 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने सलमान शाहिद जी का टिकट की घोषणा की है और मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सलमान शाहिद के नौजवान यहाँ पे नौजवान जितना खड़ा हुआ है सब सलमान शाहिद के समर्थन में खड़ा हुआ है। और ये जो जगह जगह विरोध दिखाए जा रहे हैं ये कोई विरोध नहीं है। लोग पैसे लेके लोग जो है पैसे जेब में उनके डाले जा रहे हैं और विरोध करवाया जा रहा है। ये किसका विरोध किया जा रहा है? ये सलमान शाहिद का विरोध किया जा रहा है जबकि सलमान शाहिद 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, नौजवानों की पहली पसंद। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्री सलमान शाहिद को टिकट दिया है और ये उनका स्वागत योग्य फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है, लोगों के हित में फैसला है। 5 साल जो उन्होंने लगातार काम किए हैं, क्या काम नहीं किए हैं कोई नहीं बता सकता। एम्बुलेंस चलवाई, राशन बंटवाए, मरीजों का फ्री इलाज कराया, फ्री बच्चों के एडमिशन कराए, स्कूलों में फीसें माफ कराई, क्या नहीं कराया उन्होंने। उन्हें जन जन का बच्चा बच्चा सब लोग जानते हैं। आप रजा नगर चले जाइए, लाइन पार चले जाइए, जमालपुर में चले जाइए, हर बच्चा बच्चा उन्हें जानता है और यही वजह है जो उन्हें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया है। खबर बदायूं से है जहां जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिले के संबंध में कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कलेक्ट्रेट में पैदल गश्त कर आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिस दौरान जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक व अन्य कई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। खबर हमीरपुर से है जहां विधानसभा 2022 चुनाव के मद्देनजर DM SSP ने कलेक्ट्रेट परिसर का मुआयना कर आवश्यक निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू होनी है जिसके चलते DM SSP ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया और निर्वाचन कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने कहा कि कलेक्ट्रेट के सभी गेट नामांकन के दिनों बंद रहेंगे। परिसर के चारों तरफ आवश्यक फोर्स लगाकर घेराबंदी की जाएगी। आने जाने के रास्ते में बैरिकेटिंग लगाई जाएगी ताकि अनावश्यक लोग परिसर के अंदर ना घुस पाए। ये देखा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें कहां कहां पर बैरिकेटिंग करनी है, क्योंकि आप लोगों को भली भांति जानकारी है कि जिस दिन नामांकन होता है उस दिन लोग बड़ी संख्या में उम्मीदवार, उनके साथी, उनके समर्थक लोग घुसने का प्रयास करते हैं तो बड़ी अव्यवस्था होती है। तो यद्यपि 144 लगा हुआ फिर भी हम लोग बैरिकेटिंग लगाकर, पुलिस ड्यूटी लगाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मानक हैं उसी मानक के अनुसार लोग आने और अपना नामांकन करें और हमारा निर्वाचन कार्य निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक सम्पन्न हो सके।
झांसी के जिले गुलारा गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। गुलारा गांव की गौशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। अब इस गौशाला में खुलेआम गाय तड़प तड़प कर मर रही हैं। प्रधान सेक्रेटरी मस्त है। प्रधान ने गौशाला के ठीक बगल में गड्ढे खुदवा रखे हैं, जिसमें प्रतिदिन एक दो गाय फेंक दी जाती हैं, जिस जंगली जानवर द्वारा नोचा जाता है। आपको बता दें कि सरकार प्रत्येक गाय पर 30 रुपए प्रतिदिन हिसाब से आता है, जिसमें गाय की पूरी देखरेख की जाती है। यह पैसा गाय की देखरेख की जगह प्रधान सेक्रेटरी की जेब में जा रहा है। कोई देख रेख नहीं है, रोज की स्थिति यही है। हाँ, जो है कि बता रहा है। अच्छा, आपने कभी कहा नहीं कि यार प्रधान जी ये तो रोज मर रहे हैं, आप थोड़ा सा देखिए कराइए। तो एन कहता है कि भैया जेसीबी मंगा लो, जेसीबी उसके पास नहीं है। जेसीबी से तो आप उनकी मृत्यु के रोज गड्ढे खोद रही है। कैसे? नहीं, वो किराए से मंगाता है। किराए से मंगाने वाली बात नहीं कर रहा, क्या ऐसे ही रोज मरने चाहिए इन गैयाओं को? तो सर हम क्या के बोले, जो तो प्रधान बोले तो उसके पास में काम है, हमसे तो बोलते गोबर डालो खाने के लिए। तो आपने कभी ये नहीं कहा कि प्रधान जी इनको रोज मर रही है, कुछ करिए? डॉक्टर को बुला देते हैं, इंजेक्शन लगवा देते हैं बस। नहीं तो इंजेक्शन क्या करेगा जब इनको सर्दी की स्थिति है, इसमें कम्बल कुछ उड़ाओ इनको। कम्बल अम्बल नहीं है, वो है वो हॉल है उसमें बिगड़ते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बिजुआ सीएचसी से कोविड की बूस्टर डोज लगवाकर वापस जा रही पुलिस की प्राइवेट कार में अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 5 महिला पुलिसकर्मी समेत एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया, जिसके बाद सभी घायल पुलिसकर्मियों को बिजुआ सीएचसी लाया गया, जहां एक निजी अस्पताल में उन सभी का उपचार किया जा रहा है। खबर रामपुर से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते हुई समीर राजपूत की हत्या के मामले में बीती रात एनकाउंटर ने हत्या का खुलासा कर दिया है। देर रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के किटप्लाई रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी अचानक से सामने आ रही बाइक को देखकर पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग कर बदमाशों को पकड़ लिया। वहीं बदमाशों से एक बाइक, 315 बोर के 3 तमंचे, 3 कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किए। किटप्ला रोड पर एक बाइक पर 3 लोग सवार सामने से आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस द्वारा जब रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर चेतावनी देने पर भी फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया, जिसमें से 3 में से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति जो भागने का प्रयास कर रहा था उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। घायलों को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अपने नाम फिरोज, देवेश और लाखन के रूप में चिन्हित हुए। खबर बांदा से है, जहां घर से बाहर टहल रहे युवक को संदिग्ध परिस्थिति में गोली मारने की घटना सामने आई है। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत मर्दन नाका मोहल्ले का है। हमले के बाद घटनास्थल से कुछ ही दूर पर तमंचा मिला है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज भी निकलवाई है, आगे की कार्यवाही में जुट गई है। बता दें कि परिजन मोहल्ले वालों की मदद से घायल को लेकर जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर आए, जहां गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। आज लगभग 11:15 बजे एक पप्पू उर्फ अब्दुल समद, मुजीबुल समद नाम के व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौजूद है, जांच की जा रही है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है, जांच के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। खबर औरैया से है, जहां अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान पुलिस ने प्रतापपुरा के पास से 25 किलो गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ के बाद आगे की कार्यवाही में जुट गई है। थाना अजीतमल में आज जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें पुलिस बल जो है प्रतापपुरा के पास में चेक कर रहा था। इसमें एक व्यक्ति उधर से मोपेड में आते हुए दिखाई पड़ा, जिसमें एक बोरी लादे हुए था, पुलिस द्वारा रोका गया।
इसमें उसने बताया कि इसमें कुछ अवैध चीजें, इसमें पता चला कि गांजा है, जिसमें मुझ क्षेत्राधिकारी को अवगत कराया गया। मैं तत्काल मौके पर पहुंचा और चेक किया, जिसमें पता चला कि इसमें अवैध गांजा है। इसको तत्काल पूछताछ करते हुए थाने लाया गया। इसमें कुछ जो अवैध गांजा प्राप्त हुआ इसका वेट कराया गया, तो ये लमसम 25 किलो प्राप्त हुआ, जिसमें इसके बाद उस व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए उसने अपना नाम पता अमित गुप्ता उर्फ छोटे गुप्ता सनाफ रामदास गुप्ता विद्यानगर बताया गया, जिसकी कीमत जो है लमसम 1,00,000 रुपये बताई जा रही है। खबर आगरा से है, जहां थाना और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस और बदमाशों में हुए मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिनके कब्जे से तमंचा और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जबकि ये बदमाश चोरी की कई वारदात को अंजाम दे चुका है। आज सिकंदरा पुलिस ने यहाँ पर रामू सक्सेना नाम के व्यक्ति को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। रामू सक्सेना चोरी का वांछित चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और जब अस्पताल उसे ले जाया गया था तो वहाँ से फरार हो गया था। उसके बाद उसकी तलाश जारी थी और आज मुखबिर की सूचना पर ये मालूम चला कि वो इधर से गुजरने वाला है। इस पर सिकंदरा पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें उसे एक गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और उसे गिरफ्तार किया गया है। खबर हाथरस से है, जहां कोतवाली सदर पुलिस ने चोरी करने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी किए हुए 19 कारतूस और करीब 15,000 की नकदी बरामद हुई है। कुछ दिनों में कोतवाली नगर क्षेत्र में 3 चोरी की घटनाएं हुई थी, एक सुदीप कॉलोनी में, सीमा उपाध्याय नगर में और गड़िया सिटी के। उसी घटना का, उन्हीं तीनों घटनाओं का आज खुलासा किया गया है। 4 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो है 19 कारतूस 32 बोर, 4 चूड़ी पीली धातु, 1 लॉन्ग मै फूल पीली धातु, 8 सिक्के चांदी के, 3 जोड़ी पायल, 5 जोड़ी बिछिया, 1 सिलाई मशीन, 1 पैंडल और 15,500 रुपये नगद मिले हैं। इसके अलावा 1 तमंचा, 1 कारतूस और 3 छुरे बरामद किए गए हैं। वही खबर रायबरेली से है, जहां उचहार कोतवाली के पुरवार सवैया गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों गुटों में विवाद इतना बढ़ गया, जिसमें दोनों पक्षों के महिलाओं बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में CHC में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों गंभीर रूप से घायल हैं, जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। गाँव का बहुत लड़ाई है जगह के लिए, तो कहते हैं मेरे खेत से मूली उछाल लेते, धनिया उछाल लेते, उसी बात को गारी देते हैं, यानी उनके खेत के पास रहते हैं। कौन है जिन्होंने मारपीट की है आपके साथ? मेरे दादा हैं सगे। क्या नाम है? इनके नाम है झूरी। तो सिर्फ झूरी ही थे मारपीट में या और भी लोग थे? अनूर थे, अजय थे और उनके पिता झूरी थे, पतोहू थे, उसकी माँ थी। कितने लोग घायल होंगे आपके घर की तरफ से? 6 लोग। ऊंचा हर कोतवाली में तहरीर दी है आपने? क्या इससे पूर्व में भी पुलिस प्रशासन कभी गया था आपके वहाँ? गया थे, कल गए थे। कल क्या बोले थे? कल जाके कल बोले थे हम लोगों से कि लड़ाई नहीं करना। हम कहा ठीक है सर, लड़ाई नहीं करूँगा। तो ये लोग गांव से आए, गांव में रहते हैं, गांव से आए, सुबह डंडा लेके फिर लाठी लेके आए, कुल्हाड़ी भी लेके आए थे, और यानी 3-4-5-6 लोग जो है घर की सलाह बना लिए थे हम लोगों को माने। मैं था, मेरा पिता था, 2 लोग थे खाली, और बाकी मेरी बहन खाना बना रही थी, उसको खाना बना रही थी, उसके सर में कुल्हाड़ी मारी।
खबर संभल से है, जहां गुन्नौर कोतवाली के कस्बा बबराल में दहेज की मांग कर रहे ससुराल ने युवती की हत्या कर दी, जिसकी सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष ने बताया कि बेटी की हत्या के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हैं, जबकि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये साहब, हमने अपनी बिटिया की नवंबर में शादी करी थी 20 तारीख को, और इसको फिर वो लड़की चली गई थी, फिर आई थी, हमारा भाई एक्सपायर हो गया था उस पीरियड में आई थी, फिर वो लोग साथ ही बुला ले गए थे, फिर हमारी बिटिया यहाँ आई थी, तो वो यहाँ से इसी मंगलवार को 10 तारीख को बुला के ले गए थे, फिर हमें नहीं पता क्या हो गया उसका। अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के गोविंद नगर चौराहे पर मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल को प्राथमिक उपचार देकर जैन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। किन लोगों ने मारा इनको? ये जा रहा था कुछ चीज सामान लेने के लिए, तो उसको गली में घेच लिया था, वहीं पे मारा था उसको। ये घटना हुई कहाँ पर है? गोविंद नगर। गोविंद नगर की? हाँ, गोविंद नगर की घटना है। इनकी कोई पुराना विवाद या कोई पुरानी रंजिश? ऐसे ही घेच लिया उन्होंने? ऐसे घेच लिया था उसको, शायद पैसों के चक्कर में मारा। पैसे थे इनके पास? जी, पैसे थे इनके पास। कितने पैसे? इनके पास तकरीबन 20-22 हज़ार रुपए थे, यानी कि और कमती बढ़ती भी हो सकते हैं। अच्छा, काम क्या करते हैं? ये ट्रक चलाते हैं, ट्रक चालक हैं। घटना कब की है? ये अभी की थोड़ी देर पहले की है, एक घंटा पहले की। अच्छा, तो ये कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे? ये खाने का सामान लेने के लिए। कितने लोग होंगे इनमें? उसमें तो तकरीबन मारने वालों की संख्या तो। खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ रेलवे फ्लाईओवर के नीचे रेलवे लाइन पर मार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की बुरी तरह जख्मी हो गया। फिलहाल उसे उपचार के लिए बीके अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। ये अपने दोस्तों के साथ लाइन पार गया, तो उनके साथ अब ये उनके साथ साथ चला गया, पता नहीं वहां पर क्या हुआ। तो यहाँ पर लिया है। कैसे सूचना मिली कि ट्रेन हादसे से शिकार हुए? कैसे सूचना मिली आपको? एक हमारे बगल में सरदार जी, उन्होंने बताया कि आपका बंदा रेल के फाटक पे पड़ा है, उसका हाथ वाथ कट गया है, जब हम यहाँ पर आए बीके में। तो क्या वजह से? कोई मामला ऐसा आ रहा है कि फोन छीन के भग रहे थे, क्या था? नहीं, ये इनके साथ गए थे, ये इनके साथ पीते खाते हैं। ये कल्ली गाँव से आया था शिकार पर से। ये लाइन क्रॉसिंग कर रहा था, किसी गाड़ी की चपेट में आ गया है। जी, तो क्या पूछताछ में कुछ पता चल पाया? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, इसका नाम पता कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो सर, कहाँ हादसा हुआ है? ट्रेन हादसा नहर के पास, सोना नहर के पास, किलोमीटर 1502 के 16-18 पर। कितने लोग थे सर इस लड़के के, बच्चे के साथ? ये तो अकेला था जी, जब हम पहुंचे हैं तब वहाँ पुलिस की गाड़ी ऑलरेडी। तो ये रही अब तक की कुछ प्रमुख उत्तर प्रदेश की खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।